दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक तिवारी ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको यहाँ के सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सुंदर नज़ारे, ये देखिए हिमालय। अभी धूप पड़ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बचपन की याद दिलाते हैं बच्चे। ऐसे ही हम भी खेला करते थे बचपन में, कहीं पर भी पिच बना के क्रिकेट खेला करते थे। ये देखिए दोस्तों, चारों ओर का नज़ारा, ये देखिए दोस्तों खेत। आजकल गेहूं बो रखे हैं खेतों में, ये देखिए आजकल गेहूं बोए हैं खेतों में, गांव घरों में। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों हिमालय कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर हिमालय दिख रहा है दोस्तों। धूप में एकदम चमक रहा है। कैंप के बाद दोस्तों थोड़ा मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट करना रह गया था, तो अभी मैं वो कर रहा हूँ आज दूसरे दिन। ये देखिए कुछ सैंपल है, लीवर फंक्शन टेस्ट होना है इनका, और विटाल टेस्ट होना है कुछ पेशेंटों का, तो वो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं तुम्हारे बिलरोबिन, टोटल प्रोटीन, एल्बोमिन और HGOT, SGPT और भी कई सारे टेस्ट आते हैं, मगर मोस्टली यही करते हैं, तो यही मैं करने जा रहा हूँ अभी। तो देखिए आप तब तक का और बाहर का दृश्य देखिए, बाहर के नज़ारे देखिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ा देर बाद। तो ये देखिए, ये है बायोकेमिस्ट्री मशीन, जिसमें कि अलग अलग टेस्ट फीड है, एल्बोमिन, ALP एमाइलेज, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सब अलग अलग टेस्ट इसमें फीड होते हैं दोस्तों। ये देखिए CKP, CKMB, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, GGT, HGOT, SGPT, SCT, ये सब अलग अलग टेस्ट इसमें फीड होते हैं। ये है बायोकेमिस्ट्री की मशीन दोस्तों, ये देखिए मेरा लैब, और ये देखिए दोस्तों मैंने कल CBC जो कल दिखाए थे, CBC की रिपोर्टें सब निकाल दी हैं मैंने, जो इस प्रकार हैं। अभी बहुत काम है दोस्तों आज भी, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा देर बाद। यह है श्री यंत्र मंदिर, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र स्थापित है। ये देखिए ये जो सबसे बड़ा मंदिर दिख रहा है, यह है श्री यंत्र मंदिर। और फिर जैसे ही नीचे आए तो आपको यह मंदिर दिख रहा है, यह है हनुमान जी का मंदिर, और यह छोटा मंदिर जो है देवी मैया का है, और यह बीच में मंदिर जो ये है यह शिव जी का मंदिर है, और उधर को गणेश जी और काली माता का मंदिर है। और ये देखिए ये नीचे आपको दिख रहा है, यह है श्री कल्याणिका वेद वेदांग संस्कृत विद्यापीठ है। ये देखिए जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत में, 6 से 12 तक यहाँ क्लासें चलती हैं। और इधर आए हम तो यह ऑफिस है, और यह कैंटीन है, और यहाँ ऊपर ये जो रूम देख रहे हैं यहाँ हम रहते हैं। तो यह है देखिए डोल आश्रम, अच्छी तरह देख लीजिए, फिर क्लोज में वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कभी पूरा। यह श्री अंत मंदिर, यह सत्संग भवन, ये देखिए यहाँ गुरुजी लोग रहते हैं, यहाँ भंडार कक्ष, ये लाइब्रेरी है देखिए, ये लाइब्रेरी है यहाँ की, दिखाता हूँ मैं आपको लाइब्रेरी। ये देखिए यह है यहाँ की लाइब्रेरी, ये और यह लाइब्रेरी खुलने का टाइम।
ये है यहाँ पर बैठने का। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं भोजन करने। ये देखिए पुष्प वाटिका यहाँ की, ये देखिए सब चीज़, ये यहाँ की पुष्प वाटिका, ये है पुस्तकालय। तो हम भोजन करने जा रहे हैं दोस्तों, चलिए आपको दिखाता हूँ। यह है भोजनालय। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको भोजनालय। ये है भोजनालय, भोजन कक्ष, और यहाँ पर जूते चप्पल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा है, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे। यहाँ पर भी लगा है देखिए। तो आपसे मिलती है शिव जी की मूर्ति, जो मैंने वहाँ से नहीं दिखती है, ये जहाँ से मैंने शूट किया था। यह है शिव जी की मूर्ति। आप एंटर होकर जैसे ही, ये गेट है मेन गेट, एंटर होते ही ये शिव जी की मूर्ति आएगी आपके पास। तो ये देखिए दोस्तों, अभी शोर ज़्यादा हो रहा है तो हम ऐसे बैठे हैं भोजन के लिए। ये सब ये देखिए आपको भोजन करते हुए अभी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दीपक तिवारी ब्लॉग को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।